आओ ना, रोमांस करते हैं। Sure, it's a good idea. It's a great idea. But you know, living room में open space, मुझे तो usually आदत है अपना ये bedroom में रोमांस करने की। Please. सुनो ना, वहाँ बैठो कंफर्टेबल। अरे वो भैया से मिलके मैं इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ ना। अरे तुमने इसको पहचाना? तुम्हें भैया बोल रही है तो जाहिर है तुम्हारी बहन ही होगी। मेरी बहन नहीं है ये, मेरी बहन नहीं है, मेरी लाडली बहन है, बिट्टू बुआ की मंझली वाली बेटी है ये, बीच वाली। आई लव यू स्वीटी। याद है क्या कहा था मैंने थोड़ी देर पहले? ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। मेरी बहन पहली बार इस घर में आई, कमाल है वाह, हॉट यार। भैया आप और भाभी रोमांस कर रहे थे क्या? ऑलमोस्ट, नॉट रियली। तो दरवाजा तो बंद कर लेते, देखो भाभी के अरमान अधूरे रह गए। मैंने आप दोनों का परिचय नहीं कराया। अच्छी, कितनी बार परिचय कराओगे? पता चल गया ये तुम्हारी बहन है। ये तुम्हारी वही बहन है ना जिसे शादी करने का कोई लड़का राजी नहीं हो रहा है? Come on यार, ऐसी बातें मत करो यार, थोड़ी सी नादान है, बचपना है उसमें, कुछ नहीं है। इतनी बड़ी हो गई है, अभी तक बचपना नहीं गया, बुढ़ापे में जाएगा क्या? खुसर-फुसर चल रही है भैया, हम भी तो सुने। नहीं ऐसी, बस भाभी तेरे को देख के ना बहुत खुश हो गई हैं, शॉक्ड हो गई हैं, प्लेजेंटली शॉक्ड। अरे यार भाभी, मेरी प्यारी भाभी, भाभी। बड़ी अजीब लड़की है। एक्चुअली क्या है, गिली ना बहुत जॉली है, बहुत जॉली है। हम ना बचपन में ना इसको बोला करते थे, गिली इज अ जॉली गुड फेलो, गिली इज अ जॉली गुड फेलो, गिली इज अ जॉली गुड फेलो। और बता गिली कैसी है तू, टेल मी। मैं तो ठीक हूँ भैया। अरे हाँ, मैं पहली बार भाभी से मिलने आई हूँ ना, तो उनके लिए कुछ खाने लेकर आई हूँ। हाँ, ओ देसी घी। भैया ये घंटी करंट मारती? अब पता है घंटा भैया, डंडा भैया, ऐसे ही पकड़े सारी उका है कि वो घंटी कब से बोल रहे हैं ठीक करा दीजिए, ठीक करा दीजिए सारी। भैया नमस्ते। जीत रहो भाभी, नमस्ते। खुश रहिए, खुश रहिए डंडा भैया। भैया अचानक कैसे चले आए, कछु फोन वोन तो कर लेते। माफ कीजिए भैया, कई बार आपको फोन किया लेकिन आप हमेशा यही बोल देते हो घर से बाहर है, घर से बाहर है, तो आज हमने सोचा बिना बताए पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छा किया आप। हेलो मीनल। हाँ बोल, कैसी है? अरे मेरा तो छोड़ ही दे, ये जो मेरा पति है ना, मुझे कभी भी जिंदगी में खुश नहीं रहने देगा। अरे हुआ क्या, चाचा जी 2-3 दिनों के लिए बाहर गए थे, मुझे लगा घर खाली है, थोड़ा रोमांस वोमांस हो जाएगा, लेकिन इसकी बिल्ली, इसकी बहन गिल्ली ने टपक के ना मेरे सारे अरमानों की गिल्लियां बिखेर दी। अरे अपनी बहन की शादी करवा रहा है ये, बड़ा इसके पास हुंडिया पड़ी हुई है जो उस पर खर्चे करेगा, सारा खर्चा तो मेरे ऊपर ही आएगा ना। आवारा गर्दी में ना इसकी बहन उससे 2 हाथ आगे है, बड़ा दोनों बालकनी में खड़े होके बड़े भाई बहन के गाने गा रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, मेरा दावा है एक दिन यही बहन ना अपने इस भाई की बैंड बजा के छोड़ेगी। चल ठीक है बाय। हम्म,
ये मुश्तंडा क्या कर रहा है भाभी जी की जगह? तो कौन हो बे तुम? आप कौन हो बे? अच्छा बेटा, तमीज से कमल लपेट के मार रहा है। सवाल हमने पूछा है। जी हम मनमोहन तिवारी के कजिन डंडा तिवारी हैं। ओहो, तो तुम डंडा तिवारी हो? हाँ। That's nice. आपकी तारीफ? Well, हमारा नाम है विभूति नारायण मिश्रा and I'm a topper from छपरा यूनिवर्सिटी। ओ विभूति भैया, विभूति भैया, आप विभूति भैया, बेटा ये क्या 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 छूना चाह रहे हो बेटा? क्या क्या नहीं, क्या छूना क्या चाह रहे हो भैया? पर छूना, आशीर्वाद लेना। हाँ तो ये बोलो ना कि आशीर्वाद लोगे। आशीर्वाद दिया तुम्हें? वाह भैया, आज तो आपसे मिलकर धन्य हो गए। बहुत तारीफ सुनी है गिल्ली के मुंह से आपकी। अच्छा? हाँ, गिल्ली ना आपकी हमेशा तारीफ करती है। अच्छा? कि हमारे भैया ऐसे हैं, हमारे भैया वैसे हैं। मतलब आज ना आपसे मिलकर यकीन हो गया कि गिल्ली झूठ बोलती थी। क्या बोल रहे भैया? मैं कह रहा था कि गिल्ली झूठ बोलती थी, आप ना उससे बढ़ गए। और गिल्ली जो आपकी तारीफ करती थी, आप उससे बढ़ गए। आप में एक महान इंसान दिखता है। आपके चेहरे पर ना मुझे एक महान इंसान दिखाई दे रहा है भैया। ऐसे सोके चुभो चाटो मत यार। अच्छा ये बताओ कितने पढ़े लिखे हो भैया? माफ करना डंडा, तुम्हारी शादी हम इतने घटिया खानदान में कतई नहीं होने देंगे। टिलुआ, मैं रूसा से इतना प्यार करता हूँ जितना मजनू ने ना लैला से भी ना करो गोया। लड़को लड़को, लड़को लड़को, क्या हुआ क्या हुआ? क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? हैं भैया, भैया रूसा ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखो करो है भैया। रूसा ने हमारे साथ बेवफाई करी हैगी। अरे लड़कों, अगर उसने बेवफाई की है तो तुम भी बेवफाई कर दो उसके साथ, हिसाब बराबर। लेकिन सक्सेना जी, हम गरीबों को बेवफाई करना ना आती। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है लड़कों, तुम दोनों तो बेवफाई के मास्टर हो, मास्टर। जरा सोचो, बचपन में तुम दोनों ने अपनी माँ का दूध पिया, पर आज तक अपनी माँ के लिए कुछ किया? अरे हम तो विदाउट मम्मी है, हमारी कोई मावा ना है। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसी गलती मत करना। माँ हर जगह है, माँ हर जगह है, माँ तुम्हारे बगल में बैठी हुई है। माँ पानी में है, माँ हर जगह व्याप्त है। और यही वो माँ है जिसने तुम लोगों को आज तक हर दुख तकलीफ से बचाया है। वो कहते हैं ना कि सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। ये जो माँ होती है ना लड़कों, ये माँ अपनी दुआ की कवच में हमेशा अपने बच्चों को सुरक्षित रखती है। तीसरी फेल। सक्सेना भैया ने तो कंफ्यूज कर दो यार। यार टीका, मेरा ना दिमाग भी नोट हो रहा है, समझ में नहीं आ रही है कि मैं रूसा के लिए रोऊं या अपनी माँ के लिए रोऊं। लड़कों अपने आप को सुधार लो यार, अपने आप को सुधार लो तो किसी के लिए रोने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कभी रोना ही नहीं पड़ेगा। ऐसा क्या करे भैया? अपने अंदर एक विल पावर पैदा करो लड़कों। अच्छा उसमें बड़ी ये विल पावर क्या होती है? आई लाइक इट। ऐसा है लड़कों, विल पावर मतलब इच्छा शक्ति। तुम इतनी ज्यादा अपने अंदर इच्छा शक्ति पैदा करो कि तुम जो भी चाहो वो तुम्हें हासिल हो जाए। तुम्हारी नजर जिस भी चीज पर पड़े वो चीज तुम्हारी हो जाए। मैंने कहा हेलो भाभी जी। हेलो भरभूति जी। क्या बना रही है भाभी जी? हलवा बना रहे हैं। अच्छा, हलवा हलवा बना रहा है। बोले भाभी जी, जब बोलना था तब आप कुछ बोली नहीं। You did not utter a word. क्या बोल रहे हैं? हमरी कुछ समझ में ना आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ गिल्ली और डंडे की। वो तो हम बचपन में बहुत खेलते थे। मैं गिल्ली अपनी बहन और डंडा तिवारी जी के भाई की बात कर रहा हूँ।
उनके रिश्ते की बात कर रहा हूं जिसके लिए तिवारी जी ने साफ साफ मना कर दिया, और उस वक्त आप एक वर्ड नहीं बोली। यू डिडंट से अ वर्ड। ऐसा काहे बोल रहे हैं, हम बोले तो थे उस टाइम। माफ कीजिएगा भाभी जी, ऐसे बोलना भी बोलना होता है। तो क्या करे, लड्डू के भैया के कनपट्टी पे पिस्तौल रख के बोले का? Sure, do it. If it's possible, yes, why not? भाभी जी, गिल्ली डंडा प्यार करते हैं आपस में, they are in love. वो तो है, वो तो हम देख ही रहे उन दोनों को। तो फिर बैल के गले में घंटा बांध दीजिए ना। आ क्या बोले? भाभी जी, तिवारी जी से बात कीजिए, उनसे हमारी सिफारिश कीजिए। और देखिए भरभूति जी, प्रेम प्यार मोहब्बत के बारे में हम का सोचते हैं ना कि किसी से कछु बात करने का जरूरत नहीं है। मियां बीबी राजी तो का करेंगे काका जी। इट्स नॉट काका जी, इट्स काजी। आ सही पकड़े हैं। लेकिन का है ना कि हमारे गांव में काका जी ही बोलते हैं। अभी जी, काका जी हो या काजी हो, अगर वो मोहब्बत का दुश्मन है तो समाज का दुश्मन है। हाय दिया, हमारे लड्डू के भैया ऐसे बिल्कुल भी ना आए हैं। तो कैसे हैं फिर? वो तो कहा है ना कि अब आपसे ना उनका रिश्ता कुछ ज्यादा ही खास है, तो आपको परेशान करने में उनको बहुत मजा आता है। Are you trying to say? और वैसे आप भी कुछ कम ना ही है, हाँ? जब भी मौका मिलता है आप उनको बहुत परेशान करते हैं। भाभी जी, इस वक्त मैं एक बहन के मजबूर भाई की हैसियत से आया हूँ, जो चाहता है कि उसकी बहन का रिश्ता तिवारी जी के भाई डंडा से हो जाए। बस बस, आप हमको बहुत इमोशनल कर रहे हैं। झोली ना ही फैलाइए, एक तो काम कीजिए। कहिए ना भाभी जी, हुकुम कीजिए आपसे। कहा है ना, लड्डू के भैया के लिए एक तो अच्छा सा इंग्लिश लेकर उनको पिलाइए, उनको और पिलाइए, और तब तक पिलाइए जब तक कि वो नशे में धुत ना हो जाए। गॉट इट भाभी जी, अभी कहना चाह रहे हैं कि उनको पिला पिला के पिला पिला के पिला पिला के धुत कर दूं, और उनकी गठरी बांध कर कंधे नाले में फेंकाऊं, ठीक है? अबे साले, तेरी इज्जत है ही कहाँ जो सवाल उठेगा, और तूने मुझे झुप्पड़ पट्टी वाला कहा। साले, तू जानता नहीं है मेरे पास बहुत पैसा है। प्रेम प्रेम, सुनना, साला छिछोरा, ये आखिरी मेरी उम्मीद थी, ये भी चला गया। अब कहां से लाऊं 15,000 रुपए बिस्की के लिए? एक भगवान, हे भगवान, हर बार तो मेरा ही इम्तिहान क्यों लेता है, क्यों लेता है? भैया, भगवान आपका क्या इम्तिहान ले रहा है, जबकि आप तो छपरा यूनिवर्सिटी टॉपर है। आप लोग मजाक उड़ा लीजिए, क्योंकि मेरी जिंदगी में जिल्लत लिखी आप लोगों का कोई कसूर नहीं है। अगर सब रखे भैया, सब आखिर बताएंगे क्या बात, क्या हो गई, ऐसी क्या बात हो गई? माफ करना भैया, हमें नहीं लगा कि आप इतने सीरियस हो। हाँ, मैंने आज तक आपको इतना सीरियस देखा ही नहीं। जिसका चाचा जिंदगी की घड़ियां गिन रहा हो, वो आदमी सीरियस नहीं होगा तो कौन सीरियस हो? अरे क्या हुआ चाचा जी को? मसब, हम लगता है विभूति भैया को इनके अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए। आइए हम लोग चलते हैं। चाचा जी की दोनों किडनी फेल हो गई, उनको डॉक्टर ने डायलिसिस बताया, अगर डायलिसिस नहीं हुआ तो चाचा जी मर जाएंगे। ओह माय गॉड, ये तो वाकई में बड़ी सीरियस बात हो गई। अरे डॉक्टर साहब, इनके चाचा जी भी ना बहुत बड़े बिगड़ैल हैं, पता नहीं क्या क्या कांड करके बैठे हैं। नहीं मां साहब, चाचा जी के बारे में कुछ मत बोलिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ चाचा जी के बारे में कुछ। ठीक है भैया, नहीं बोलेंगे, लेकिन आखिर हम लोग इसमें क्या आपकी मदद कर सकते हैं? चाचा जी का डायलिसिस होना है और उसका खर्चा है 15,000 रुपए। भैया, इतने पैसे तो हमारे पास नहीं, आधा कर सकते हैं। आधा दीजिए ना फिर। थैंक यू मां साहब। मां साहब ने आधी समस्या का हल कर दिया है, आधी समस्या का हल मैं भी कर सकता हूँ। ये लीजिए और चाचा जी का अच्छे से इलाज कराइए। थैंक यू सो मच, मैं आप लोगों का एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे भैया, थैंक यू, थैंक यू। संभालिए भैया अपने आप, संभालिए। आइए मास्टर साहब, आइए डॉक्टर साहब। यस, वो देना था मंगी वाली। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? सॉरी।
I'm sorry. घोड़ी पे होके सवार चला है दूल्हा यार, अपनी कमरिया पे बांधे तलवार। अरे कैसे सवार होगा घोड़ी पे दूल्हा, भैया तो मना कर दिए। का आप अपना दिल का ही छोटा करते हैं, आपका शादी जरूर होगा डंडा भैया। कैसे होगा भाभी जी, भैया तो मना कर दिए है ना, अब घोड़ी पे सवार कैसे होगा दूल्हा। तो का एक ही लड़की है ही पूरा दुनिया में, अकाल पड़ गया है का लड़कियों का। देखो भाभी जी, हम पहले भी कह चुके आपसे, अगर डंडे की शादी होगी तो सिर्फ गिल्ली से, नहीं तो डंडा टूट जाएगा। तुम हिम्मत ना ही हारो, तुम्हारा शादी गिल्ली से ही होगा। हाँ भाभी, आप भैया से कहती क्यों नहीं। पूना लड्डू के भैया बहुत ही जिद्दी है। हाँ वो कभी भी हमारा बात सुनते नहीं, और कौन जिद लेकर बैठ जाते हैं ना, तब तो किसी का भी ना ही सुनते हैं। तो फिर कैसे होगा भाभी। वो देख रहे हैं ना, वो जो बैठे हैं भरभूति जी वहाँ, वो बातें बनाने में बहुत ही होशियार हैं, वो जरूर मना लेंगे लड्डू के भैया को। भाभी आपको यकीन है ना। हमको पूरा कॉफिन डांस है। आप पौने आठ हो गए भैया। मेरी जान, दुनिया चाहे पहचान ले लेकिन गिल्ली ना पहचान पाएगी। पक्की बात। पाको आने तो दे, अभी तक ना आ रही गिल्ली यार, कितनी देर रह गई पाको देखते देखते, आई ना रही। जे भी गिरे हुए हैं। अगर दुश्मन दुश्मन जमाना, गम नहीं कोई आए। आपको पता है ना तिवारी जी, कि विभू अपनी बहन की शादी के चक्कर में बालकनी से कूद गया और आज हॉस्पिटल में पड़ा, घायल होके करा रहा है। तो भाभी जी इसमें हमारा क्या दोष है भला। आपका दोष नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि विभू अपनी बहन गिल्ली से कितना प्यार करता है। कितना प्यार करते हैं। इतना प्यार तो मुझसे भी नहीं करता भाभी जी। वो आप ही से प्यार नहीं करते तो क्यों झेल रही हैं उन्हें, निकाल भर काई नहीं करती हैं आप। वाह तिवारी जी, इस प्रॉब्लम का तो झट से सोल्यूशन बता दिया आपने। अच्छी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये प्रॉब्लम आपसे जुड़ी है भाभी जी। और मैं इतनी देर से जो आपके साथ सर खपा रही हूँ, ये क्या है। ये भभूति जी की प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम सिर्फ विभू की नहीं है तिवारी जी, ये मेरी भी प्रॉब्लम है, बिकॉज विभू इज माई हस्बैंड। भाभी जी यही तो आपकी महानता है, या भभूति जी जैसे घटिया इंसान के साथ रह रही है। हम तो कभी कभी सोचते हैं आप कितने घटिया परिवार में फंस गई भाभी जी। अरे कम से कम अपने आप को कुछ समय तो देती, कुछ प्रतीक्षा तो करती किसी काबिल आदमी के आने की। बहुत भूख हो भाई, अरे कुछ खिला दो भाई। अरे रुकी सुकी चलेगी, अरे पिज्जा बर्गर भी चलेगा। अरे भाई को है के भाई। हाँ हम उका है ना कि हम आपका आवाज सुने तो आपके लिए ए एप्पल ले आए। भाभी जी ये एप्पल आप अपने हाथों से खिला दीजिए। वो खिला तो देंगे, लेकिन उके पहले आपको हमारे साथ गाना गाना पड़ेगा। भाभी जी पेट एकदम खाली है, आवाज नहीं निकलेगी मेरी, मैं गाना नहीं गा पाऊंगा भाभी। ठीक बा, तो आप पल भूल जाइए, हम ना ही खिलाएंगे। भाभी जी मैं गाऊंगा।
भैया ये क्या कर रहे हैं आप? ये मेरे स्टेथोस्कोप खा जाएंगे क्या? ये लीजिए लड्डू के भैया, उका है ना अम्मा जी का काल आया रहा, वो पूछ रही थी डंडा का शादी के बारे में कि मुहूर्त निकला के नहीं। अब किसी भी कूड़ा करकट से तो शादी नहीं कर देने ना डंडा का, लड़की में बहुत से गुण तो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लड़की के गुण से ज्यादा दहेज लेने में यकीन रखते हैं। भाभी जी क्या 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 बात कर रही हैं आप? बिल्कुल दुरुस्त कह रही हूँ मैं। हाय दिया, इक्का सुन रहे हम लड्डू के भैया आप दहेज का बात कर रहे हैं? अरे नहीं भाई, हमने कोनो दहेज वहेज नहीं मांगा। झूठ बोल रहे हैं आप तिवारी जी, आपने विभू से 25 लाख के दहेज की डिमांड की है। ये तो बहुत ही गलत बात है, पाप है ही पाप। अरे पूरी बात तो सुन लीजिए आप लोग। अब सुनने सुनाने को बाकी क्या रह गया तिवारी जी? बहुत कुछ है भाभी जी, और वो आपको सुनना पड़ेगा। क्या है भाभी जी की बचपन से लेकर अब तक डंडा के माता पिता उस पर तकरीबन 25 लाख रुपया खर्च कर चुके हैं। क्या? जी भाभी, क्या है कि वो बचपन में पढ़ने लिखने में कोनो कमजोर था, लेकिन मारपीट में अव्वल दर्जे पे था, इसलिए किसी भी स्कूल में जाता था तो उसके लतिया के निकाल दिया जाता था। तो जैसे तैसे एक स्कूल उसे दाखिला देने के लिए राजी हुआ, लेकिन उसकी एवज में फूफा जी से तकरीबन 2 लाख रुपए उन लोगों ने रखवा लिए। फिर डंडा जो है वो 5वीं में 3 बार फेल हो गया, फिर उसको पास करवाने के लिए 2 लाख रुपए देने पड़े, और फिर हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए फूफा जी को फिर 2 लाख रुपए देने पड़े। हाय दिया। फिर 5 लाख रुपए 12वीं में फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए देने पड़े, और फिर MBA में उनके कौन हुए 10 लाख रुपए घुस गए, और फिर कुल मिलाकर इसकी पूरी पढ़ाई में तकरीबन कोई 25 लाख रुपए घुस गए भाभी जी। घुस गए? व्हाट डू यू मीन बाय घुस गए? अरे माँ बाप अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई में पैसे तो खर्च करते हैं ना, पर आपके फूफा जी ने ऐसा क्या स्पेशल कर दिया? भाभी जी हमारे फूफा जी ना बहुत ही गरीब इंसान है, वो मास्टर हैं, महीने की 3000 रुपए तनख्वाह पाते हैं, 3000। 25 लाख रुपए कहाँ से आ गए उनके पास? उन्हें डंडा को पढ़ाने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ा। देखिए मैं समझ सकती हूँ तिवारी जी, लेकिन विभू भी तो एक गरीब भाई है ना, तो उसके पास नौकरी है और ना बिजनेस, आप सोचिए कहां से लाएगा वो 25 लाख रुपए। पर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि दहेज लेना कानूनन अपराध है। तो फिर भाभी जी आप ही गिल्ली का कोई ऐसा गुण बता दीजिए जो हम फूफा जी को जाकर बताएं तो उन्हें लगे कि दहेज नहीं लेना चाहिए, और बहुत ही कोई गुड़ी लड़की उनके घर में आई है ऐसा उन्हें लगे तो बता दीजिए, वरना हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं। ये विभूतिया भी ना एक नंबर का गधा है, गधा। हाँ अब बताइए, पिछले 5 मिनट से साले का इंतजार कर रहा हूं मुझे बुलाकर, पता नहीं खुद कहां गायब हो गया। सॉरी 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 प्रेम, सॉरी मेरे दोस्त, तुझे मेरा इंतजार करना पड़ा, आई एम रियली सॉरी। अबे विभूति, ये तूने अपना क्या हाल बना रखा है, कहां से पिट पिटा के आ रहा है, किसने पीटा तुझे? तकदीर ने पीट दिया मेरे दोस्त, मेरी तकदीर ने पीट दिया मुझे। मुझे लगा कि भाभी जी ने पीट दिया। तो नजर लगा रहा है, सही लगा रहा है। अबे ओ विभूति, ये चमचागिरी बंद कर और ये बता तूने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? प्रेम तुझे याद है गिल्ली? गिल्ली याद है तुझे गिल्ली? हाँ हाँ, तेरी बिटन बुआ की बेटी। प्रेम गिल्ली की शादी है। तो तू क्या मुझे इन्विटेशन देने आया है? अगर तू मुझे 25 लाख दे देगा तो उसकी बात तय हो जाएगी, और फिर मैं तुझे इनविटेशन देने भी आऊंगा। अबे साले पहले का कर्जा तो वापस कर दे। तुझे याद है तूने शराब पी के मुझसे क्या कहा था कि तेरा पिछला सारा कर्जा माफ हो गया, तूने कहा था ना मुझसे? अबे साले विभूति, शराब पीने के बाद तो मैं ये भी कहता हूँ कि अमेरिका का प्रेसिडेंट है ना वो मेरा मौसेरा भाई है। हाँ। तिवारी जी चलिए रिश्ते के विषय में बाद में बात होती है आपसे। ये क्या हुलिया बना रखा है। आप तो है ही बहरूपी, कहिए क्या है? तिवारी जी मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या बात करनी है? बातें तो सब हो गई हैं। नहीं तिवारी जी, अगर बातें हो गई होती
तो शहनाइयां बज रही होती। भभूति जी, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके नसीब में शहनाइयां नहीं होती। ऐसे रिश्ते सिसक सिसक के दम तोड़ देते हैं, जैसे गिल्ली और डंडा के रिश्ते के मध्य हुआ। तिवारी जी, ऐसा न कहिए, भगवान के लिए ऐसा न कहिए। कोई रिश्ता टूटा नहीं है और किसी रिश्ते ने सिसक के दम भी नहीं तोड़ा है, बल्कि मैं तो इस रिश्ते में नई जान फूंकने आया हूं तिवारी जी। ओ, नई जान फूंकने आए हैं? मतलब दहेज के विषय में कुछ बात करने आए हैं? अगर ऐसी बात है तो फिर बातचीत की गुंजाइश है। तिवारी जी, मैं आपको किसी खुशफहमी में रखना नहीं चाहता। मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। ये हमारे बुजुर्गों की निशानी, मेरे बुजुर्गों की धरोहर है, ये उनकी पूंजी है, बुजुर्गों की दौलत है, ये हमारे बुजुर्गों की आन बान शान है। ये बहुमूल्य पगड़ी कदम में रखता हूँ आपके, और इस बात की उम्मीद करता हूँ कि आप इस पगड़ी को उठा के अपने माथे पे लगा लेंगे। ये पगड़ी, मात्र 35 रुपए मीटर की पगड़ी जिस पर 3-4 रुपए का कलर चढ़ा है, कुल मिलाकर ये हुई 39-40 की। ऐसी सस्ती पगड़ी कम लात मारते मारते। हाँ, मैंने उसको हर जगह ढूंढा, कितनी आवाज दी, कहीं नहीं मिली। लेकिन कहाँ चली गई गिल्ली? कहाँ चली गई हमारी गिल्ली? तुम्हारी गिल्ली को और के संग भाग गई रे। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग यार? जिनके दिल टूटे हुए होते हैं वो बकवास नहीं करते विभूति सेठ। टीका लेटर निकाल के दिखा दे, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चूस में बड़ी। भैया, मुझे ये डंडा बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं बंबूलाल के साथ भाग रही। आप मेरी शादी की फिक्र मत करना, मैं शादी बंबूलाल के साथ ही करूंगी। मुंबई जाकर वहां मुझे एक्ट्रेस भी बनना है ना। और एक बात भाई, वो जो तुम्हारे घर के सामने दो फालतू लड़के खड़े रहते हैं ना, वो एक नंबर के गधे हैं, वो कमबख्त मुझे ताड़ते थे। प्लीज मेरी तरफ से उन दोनों को झापड़ लगा देना। आपकी प्यारी गिल्ली। गिल्ली मेरा मुंह काला करके चली गई। गिल्ली अब क्या करें? बेबू गिल्ली आप क्या करें, इतना सजे धजे हैं तो कछु फंक्शन ही कर लेते हैं, नाचना गाना। बहुत सही कह रही हो पगली। आइडिया।